नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इनसाइट आईके ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ वैसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो पिछले दिनों घटी हैं और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आशा करूँगा कि वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक किस अभियान का आयोजन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। भारत में हर साल 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करना है ताकि ज़रूरतमंद लोग दृष्टि प्राप्त कर सकें। भारत में हर साल लगभग 50,000 लोगों को नेत्रदान की वजह से रोशनी मिलती है, लेकिन ज़रूरत के मुकाबले ये संख्या अभी भी कम है। इस पखवाड़े के दौरान अस्पताल और संगठन नेत्रदान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? इसका सही उत्तर होगा शिखर धवन। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है। शिखर धवन ने 2013 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अपने शानदार प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। धवन ने वनडे मैचों में भारत के लिए सबसे तेज 1000 और 2000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किए थे। उनके संन्यास से भारतीय क्रिकेट टीम में एक अनुभवी बल्लेबाज की कमी महसूस की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 23 अगस्त को किस ई पत्रिका का लोकार्पण किया है और इसका क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर होगा सपनों की उड़ान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर सपनों की उड़ान नामक ई पत्रिका जारी की है। इस ई पत्रिका का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। पत्रिका में इसरो के मिशनों और भारत के अंतरिक्ष यात्रा की जानकारी दी गई है। ये ई पत्रिका खासकर उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो अंतरिक्ष विज्ञान में करियर बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर होगा नैसकॉम। राजेश नाम्बियार को हाल ही में भारत के IT उद्योग का प्रमुख संगठन नैसकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राजेश नाम्बियार के नेतृत्व में नैसकॉम भारतीय IT और सॉफ्टवेयर उद्योग का विकास को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नैसकॉम की स्थापना 1988 में हुई थी और ये भारत का तकनीकी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत जुलाई 2024 में किस देश का कच्चे तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बना है? इसका सही उत्तर होगा रूस। जुलाई 2024 में भारत रूस से कच्चे तेल खरीदने का सबसे बड़ा आयातक देश बना। भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल खरीदा जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सकी। रूस से सस्ता तेल मिलने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। इससे पहले भारत मुख्य रूप से मध्य पूर्व से तेल आयात करता था, लेकिन रूस से तेल आयात बढ़ने से उसकी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता आई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर होगा कांस्य पदक। भारतीय पहलवान रौनक दहिया ने हाल ही में अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। उन्होंने ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम श्रेणी में तुर्की के एमरुल्ला कपकन को 6-1 से हराया। इस जीत के साथ रौनक ने भारत के लिए इस टूर्नामेंट में पहला पदक हासिल किया। वे दिल्ली के प्रसिद्ध छत्रसाल स्टेडियम से प्रशिक्षण लेते हैं और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में उनका प्रदर्शन को सराहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस ब्रांड को दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है? इसका सही उत्तर होगा अमूल। अमूल को हाल ही में दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। यह उपलब्धि अमूल की उच्च गुणवत्ता और ग्राहक विश्वास के कारण संभव हुई है। अमूल का यह वैश्विक पहचान प्राप्त करना भारतीय डेयरी उद्योग के लिए गर्व की बात है, जो इस ब्रांड की निरंतर सफलता को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसे HCL टेक्नोलॉजी का नया CEO नियुक्त किया गया है?
इसका सही उत्तर होगा शिववालिया। शिववालिया को हाल ही में SCL टेक्नोलॉजी का नया CEO नियुक्त किया गया है। शिववालिया के पास टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में व्यापक अनुभव है और उन्होंने SCL टेक्नोलॉजी में कई प्रमुख परियोजनाओं का नेतृत्व भी किए हैं। इस नियुक्ति के साथ उन्हें कंपनी के रणनीतिक विकास और वैश्विक विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका सही उत्तर होगा BEML लिमिटेड। भारतीय नौसेना ने हाल ही में BEML लिमिटेड के साथ इंजीनियरिंग उपकरणों की आपूर्ति के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत BEML लिमिटेड भारतीय नौसेना को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग उपकरण प्रदान करेगा जो नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये साझेदारी भारतीय नौसेना की तकनीकी और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक गिरीश साहनी का निधन कब हुआ और उनकी उम्र क्या थी? इसका सही उत्तर होगा 23 अगस्त को। गिरीश साहनी जो CSIR के पूर्व महानिदेशक थे, 68 वर्ष की उम्र में उनका निधन 23 अगस्त को हो गया। साहनी ने भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान में अहम योगदान दिए थे और उनके नेतृत्व में CSIR ने कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परियोजनाएं भी पूरी की थी। उनके रिसर्च और योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।